नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सोनू ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी। दोस्तों आज मैं आपको ये इलेक्ट्रिक गीजर में ये एलिमेंट लगाना सिखाऊंगा। इसको कैसे लगाते हैं और इसका कनेक्शन कैसे करते हैं वीडियो में कंप्लीट जानकारी दूंगा। आप लोग वीडियो में बने रहिए, वीडियो को पूरा देखते रहिए शुरू से लास्ट तक, और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस तरह की टेक्निकल जानकारी पाने के लिए इलेक्ट्रिकल का और प्लम्बिंग की जानकारी दोस्तों मेरे ऑफिशियल चैनल टेक्निकल सोनू टेक पे मिलेगा, और इलेक्ट्रिकल की जानकारी दोस्तों मेरे आपको इस चैनल पे मिलेगा सोनू ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी पे। अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप लोग मुझे मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। दोनों का लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो पेज पे पहुंच जाएंगे, वहां पे आपका जो भी सवाल रहेगा क्वेश्चन टाइप करना, उसका रिप्लाई करूंगा मैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे गीजर दिखाई दे रहा है, 25 लीटर का गीजर है ये, और ये जो है दोस्तों एराइज कंपनी का है। ये देखिए एराइज यहाँ पे लिखा हुआ है, एराइज सुप्रीम, और ये 25 लीटर का है। तो दोस्तों अभी इसका एलिमेंट ख़राब हो गया था, तो मैं इसका एलिमेंट आज चेंज करूँगा। एलिमेंट मैं मंगा लिया हूँ, और देखिए ये इसका टैंक है दोस्तों अंदर का। ये देखिए अंदर का ये टैंक दिखाई दे रहा है, ये देखिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए ये रबर वाशर दिखाई दे रहा है। ये जो है दोस्तों इसलिए लगाया गया है ताकि जो है पानी लीक ना करे। ये देखिए ये इसका एलिमेंट है, ये नीचे इस तरह से लगेगा। तो दोस्तों ये रबर वाशर जो है इसलिए लगाया गया है ताकि पानी लीक ना करे। और ये दोस्तों इसका मेन केबल है जो सप्लाई इसमें जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये थर्मोस्टेट है इसका, एक जो है दोस्तों छोटा है। ये देखिए जो छोटा वाला है दोस्तों ये कोल्ड वाटर के लिए है, और ये जो बड़ा वाला है ये हॉट वाटर के लिए है। क्योंकि दोस्तों जो एलिमेंट होता है, एलिमेंट में जो हॉट वाला पाइप होता है दोस्तों, वो देखिए यहाँ पे है। यहाँ पे देखिए ये कोल्ड वाटर वाला पाइप है दोस्तों, देखिए यहाँ से ये घूम के आ रहा है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे देखिए कट हो जा रहा है। यहाँ से पानी गिरेगा नीचे भरने के लिए, उसके बाद जब टैंक पूरा फुल हो जाता है तो पानी यहाँ से निकलता है हॉट वाटर। पहले पानी नीचे से जाएगा इस तरह से भरते हुए दोस्तों यहाँ पे आएगा, उसके बाद यहाँ से नीचे जाएगा हॉट वाटर, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ये काम करता है इलेक्ट्रिक गीजर। और इसका एलिमेंट दोस्तों ये है, सिर्फ ये वाला एलिमेंट है इसका। ये देखिए ये वाला जो है ये एलिमेंट है, और पलट के मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे इसका कनेक्शन होगा, न्यूट्रल और फेस सप्लाई यहाँ पे दोनों में कनेक्ट होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव। लेकिन दोस्तों ये डायरेक्ट यहाँ पे नहीं कनेक्ट होगा, नहीं तो दोस्तों पानी काफ़ी ज़्यादा गर्म होता रहेगा और बंद नहीं होगा। इसमें टेम्परेचर स्विच लगाएंगे थर्मोस्टेट के साथ। ये देखिए यहाँ पे लगा हुआ है दोनों, और इसमें दोस्तों सेट करने वाला है टेम्परेचर की कितना आपको रखना है। इसमें दोस्तों सब सेट किया हुआ रहता है, मान लीजिए आपको 50, 60, 70 डिग्री जो भी सेट करना हो यहाँ पे सेट कर देंगे। तो दोस्तों ये वाला जो है इसको सूचना देगा, तो दोस्तों ये कट ऑफ कर देगा, गर्म होना बंद हो जाएगा। तो इस तरह से काम करता है। चलिए मैं इसका कनेक्शन करके आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों ये नट खोल के एलिमेंट को मैं टाइट करूँगा सबसे पहले, तो चलिए मैं कर लेता हूँ। दोस्तों नट को मैं खोल लिया हूँ, और ये एलिमेंट को इस तरह से लगाना है। ये देखिए इस तरह से लगेगा ये। ये वाला जो है दोस्तों ये राइट साइड में आएगा, यानी कि राइट साइड में ठंडा पानी और लेफ्ट साइड में हॉट वाटर सामने से। ये देखिए इस तरह से लगेगा। अब ये लग गया, उसके बाद नट को टाइट करेंगे। तो अभी नट को मैं टाइट कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों एलिमेंट को मैं यहाँ पे लगा दिया हूँ, और नट को प्रॉपर टाइट कर दिया हूँ। नट को पूरा टाइट रखना है, नहीं तो पानी लीक करेगा, ठीक है। इसका भी नट पूरा फुल टाइट रखेंगे, और जो ये एलिमेंट है दोस्तों, तीन नट दिखाई दे रहा है, 1, 2, 3, इसको भी प्रॉपर टाइट रखेंगे। उसके बाद दोस्तों ये जो थर्मोस्टेटिक स्विच है इसको यहाँ पे डालेंगे। ये वाला जो है दोस्तों ये छोटा वाला है, ये यहाँ पे आएगा राइट साइड में यहाँ पे। और आपको अगर आपको ऐसे नहीं पता लगता है तो देखिए, अगर इसमें मैं बड़ा वाला डालूंगा तो ये ऊपर ही अटक जाएगा। ये देखिए बस यहाँ से इससे नीचे नहीं जा रहा है, तो इससे ये मालूम हो जाता है कि ये जो है दोस्तों ये बड़ा वाला है, तो ये यहाँ पे आएगा। तो इसको निकाल दिया मैं, अब मेन वाला यहाँ पर लगेगा। देखिए इसको इस तरह से रख देना है, ठीक है, दोनों एक साथ डालना पड़ेगा। ये देखिए बड़ा वाला यहाँ पर, छोटा वाला यहाँ पर। अभी इसको लगा दिया मैं। उसके बाद दोस्तों देखिए कनेक्शन इसका मैं समझाता हूँ। मेन वायर जो है दोस्तों वो यहाँ पे है, न्यूट्रल और फेज,
एक वायर दोस्तों अर्थ वाला है, तो अर्थ वाला यहाँ बॉडी में अर्थिंग में कनेक्ट हो गया है। उसके बाद दोस्तों ये जो रेड वाला वायर है फेस सप्लाई है, ये मेन वाले थर्मिस्टेटिंग में आएगा। यहाँ पे एक स्विच भी होता है रिसेट करने वाला, ये देखिए छोटा सा दिखाई दे रहा है, ये रिसेट स्विच है। उसके बाद ये मेन सप्लाई सबसे पहले यहाँ पे कनेक्ट होगा, यहाँ पे मैं कनेक्ट कर देता हूँ इसको। देखिए इसको लगा दिया मैं, फेज सप्लाई यहाँ पे चला गया मेन वाले में। उसके बाद यहाँ से दोस्तों ये सीरीज होके यहाँ पे निकलेगा, और वो भी दोस्तों ये रिसेट स्विच और रिले के माध्यम से निकलेगा। अगर ओवरलोड होता है या फिर शॉर्ट सर्किट होता है तो ये रिसेट स्विच जो है ट्रिप हो जाएगा। और दोस्तों अगर ये कभी ट्रिप हो जाता है तो ये कवर खोल के मैनुअल इसको हाथ से रिसेट करना पड़ता है। उसके बाद अब यहाँ से सप्लाई निकलेगा तो इसमें आएगा, इसमें से निकल के दोस्तों सप्लाई यहाँ पे आएगा। ये वाला जो है दोस्तों यहाँ पे एलिमेंट में कनेक्ट होगा। उसके बाद दोस्तों ये वाला जो न्यूट्रल वाला है वो यहाँ पे आएगा, ये देखिए एक चला जाएगा इंडिकेटर में। देखिए यहाँ न्यूट्रल आएगा तो एक न्यूट्रल यहाँ आ गया रेड वाले इंडिकेटर में, और एक आ गया यहाँ पे ग्रीन वाले में। तो इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों अब देखिए कनेक्शन हो गया है। एक बार फिर से मैं बताता हूँ, ये फेज सप्लाई यहाँ पे आया मेन वाले में, यहाँ से निकल के यहाँ पे आया टेम्परेचर वाले में। उसके बाद यहाँ से निकल के दोस्तों ये चला गया एलिमेंट में फेज वायर, और न्यूट्रल दोस्तों यहाँ पे लग गया डायरेक्ट। उसके बाद दोस्तों जो ये वाला है दोस्तों ये मेन इंडिकेटर है, यानी कि सप्लाई दिखाएगा। तो एक यहाँ पे है, यहाँ से निकल रहा है, उसके बाद एक न्यूट्रल में कनेक्ट है। दोस्तों आप देखिए एलिमेंट लगाने के बाद, कनेक्शन करने के बाद इसका मैं कवर फिट कर दिया हूँ। चलिए मैं सप्लाई में लगा के इसको देख लेता हूँ। ये देखिए इसको मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, लगा दिया और यहाँ से स्विच ऑन किया। ये देखिए यहाँ पे इंडिकेटर ये ऑन हो गया, बंद कर रहा हूँ, एक बार दिखाई देगा आपको। ये देखिए, देखिए फिर ऑन हो गया। अभी ये हीटिंग वाला इंडिकेटर है और ये गर्म हो रहा है। उसके बाद जब ये कट ऑफ हो जाएगा तो ये वाला इंडिकेटर जल उठेगा। उसके बाद दोस्तों आप देखिए ये इलेक्ट्रिक वाले गीजर को मैं यहाँ पे फिक्स कर दिया हूँ, और यहाँ पे अभी जो है इसमें पानी गर्म हो रहा है। ये देखिए हीटिंग इंडिकेटर दिखा रहा है, और जब ये दोस्तों जितना टेम्परेचर मैं सेट किया हूँ 50-60, जब उतना गर्म हो जाएगा तो यहाँ पे ये कट आउट वाला इंडिकेटर जलेगा, ये बंद हो जाएगा हीटिंग, और यहाँ पे ये कट आउट वाला जल उठेगा। दोस्तों इलेक्ट्रिक गीजर का एलिमेंट इंस्टॉलेशन का वीडियो पूरा हुआ। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और जो मैं बताया हूँ सब कुछ समझ में आया होगा। समझने में कहीं पे कोई दिक्कत हुआ हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, उसका रिप्लाई करूंगा मैं। अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप लोग मुझे मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, दोनों का लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो पेज पे पहुँच जाएंगे, वहाँ पे पहुँचने के बाद आपका जो भी क्वेश्चन रहेगा टाइप करना, उसका रिप्लाई करूंगा मैं। दोस्तों इसी के साथ आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा किसी अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।